भारत के जो 5 रुपए वाले नोट है जिसमें बैक साइड में ट्रैक्टर के चित्र बना होता था, उस नोट को लेकर आजकल सोशल मीडिया में बहुत चर्चे होना लगा है। कुछ लोग तो इस एक नोट की कीमत लाखों रुपए बोल देते हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं इस नोट से जुड़ी सारे सच। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय गुरु दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं भी ठीक ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लगते हैं कि नोट और सिक्के नहीं बिकते होंगे, और आप में से ऐसे भी लोग होंगे जिनको ऐसा लगता है कि हजारों और लाखों कीमत पे नोट नहीं बिकते होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि भारत में समय समय पे जो एग्जीबिशन होता रहता है, आप लोग उनमें हिस्सा ले। आपको यहाँ एक से बढ़कर एक न्यूमिस्मेटिक्स मिल जाएगा जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा नोट या सिक्का बिकता है और कौन सा नोट और सिक्का कलेक्शन के लिए सही है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ये जो ट्रैक्टर वाले नोट है, इसे एग्रीकल्चर सीरीज वाले नोट भी बोला जाता है। इस तरह के ट्रैक्टर वाले नोट, मतलब एग्रीकल्चर सीरीज वाले नोट का पहला इशू हुआ था साल 1975 में, और उस टाइम आरबीआई के गवर्नर थे एस जगन्नाथन जी। मतलब ट्रैक्टर सीरीज में जो पहले सीरीज का नोट इशू हुआ था, उनमें गवर्नर के सिग्नेचर के जगह एस जगन्नाथन जी के सिग्नेचर दिखाई देता है। इसके बाद भी इस तरह के डिजाइन के नोट काफी टाइम तक इशू हुआ था। नोट की डिजाइन की बात करें तो नोट की फ्रंट साइड में नोट की डिनोमिनेशन 5 लिखा गया है अंकों में, बिल्कुल बीच में, जिसके नीचे गवर्नमेंट प्रॉमिसिंग वर्ड हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है। गवर्नमेंट प्रॉमिसिंग वर्ड के नीचे गवर्नर के सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दो अक्षर में लिखा गया है। बिल्कुल ऊपर की तरफ भारतीय रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है। दाई तरफ ऊपर और नीचे बाई तरफ 5 लिखा गया है अंकों में। नीचे एक तरफ आरबीआई के लोगो और एक तरफ सीरियल नंबर दिखाई देता है। नोट के फ्रंट साइड में बिल्कुल बाई तरफ वाटरमार्क दिखाई देता है जिसमें अशोक पिलर के चित्र बना हुआ है। नोट के दाई तरफ अशोक पिलर के पोर्ट्रेट बना हुआ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते वर्ड लिखा नहीं है। अलग अलग 13 भाषा में 5 रुपए लिखा गया है नोट के बिल्कुल फ्रंट साइड में। नोट के बैक साइड में ऊपर हिंदी और इंग्लिश में भारतीय रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया है। और इस नोट के सबसे खास बात, ट्रैक्टर चलाते हुआ किसान का चित्र बना हुआ है नोट के बिल्कुल बीच में। बाई तरफ बहुत ही खूबसूरत डिजाइन के भीतर 5 लिखा गया है अंकों में। नोट के बिल्कुल बीच में बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश अक्षर में 5 रुपीज लिखा गया है। इस ट्रैक्टर वाले एग्रीकल्चर नोट KR पुरी, M नरसिम्हम, IG पटेल, मनमोहन सिंह, अमिताभ घोष, RN मल्होत्रा, S वेंकट रमन, C रघुनाथ राजन और बिमल जलन के समय काल में इशू हुआ था। लेकिन दोस्तों, बिमल जलन के टाइम इस तरह के नोट में कुछ अपडेट लाया गया था। बिमल जलन के टाइम से गांधी सीरीज का 5 रुपए वाला नोट इशू होना शुरू हुआ था, लेकिन नोट के बैक साइड में वही ट्रैक्टर चलाते हुआ किसान वाला चित्र बनाया गया था। गांधी सीरीज का जो नोट है वो 3 गवर्नर के टाइम इशू हुआ था, बिमल जलन, YV रेड्डी और D सुभा राव। जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बिमल जलन के कार्यकाल में गांधी सीरीज का 5 रुपए वाला नोट इशू होना शुरू हुआ था, इसीलिए बिमल जलन के सिग्नेचर वाले 2 टाइप के नोट दिखाई देता है। मतलब बिमल जलन के सिग्नेचर वाले पुराने नोट भी दिखाई देता है और नया नोट भी दिखाई देता है। D सुभा राव के सिग्नेचर वाले नोट हमारे देश की आखिरी 5 रुपए वाले नोट माना जाता है। दोस्तों, इतना तो आप भी जानते होंगे, इस तरह के नोट मार्केट में इजिली आपको मिल जाएगा। और ये तो सीधी सी बात है कि इस तरह के कॉमन नोट के बदले में आपको हजार और लाखों रुपए नहीं मिलेगा। तो फिर वो कौन सा नोट है जो सबसे ज्यादा कीमत पे बिकती है, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो तो आप जानते होंगे, नोट प्रिंटिंग के टाइम कभी कभार प्रिंटिंग एरर हो जाता है, और इस तरह के नोट के एरर परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करके नोट का प्राइस तैयार किया जाता है। इस तरह के नोट के बदले में आपको काफी ज्यादा कीमत मिल सकता है, और कुछ नोट के सीरियल नंबर में फैंसी नंबर मिल जाता है, जैसे 7786 या सभी एक जैसे नंबर। इस तरह के नोट के कीमत भी बहुत ज्यादा होता है। और दोस्तों, कॉमन सीरीज में इशू हुआ नोट की बात करें तो YRT के सिग्नेचर वाले नोट अगर आपके पास है और उसमें अगर सीरियल नंबर के पीछे R इनसेट मिल जाता है तो आपको इसके बदले में काफी ज्यादा कीमत मिल सकता है। इवेंसी कंडीशन में इस तरह के नोट की कीमत है लगभग 400 रुपए, और अगर आपके पास ऐसे 100 नोट का बंडल होगा तो आपको इसके बदले में मिल सकता है लगभग 40,000 रुपए। पिछले वीडियो में भारत के साल 1947 वाले 1 रुपए वाले सिक्के के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिया था। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इतनी सी थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक और एक्साइटिंग नोट या सिक्के के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।